हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप सबको मैं लेके आया हूँ बिरला साइंस म्यूजियम। जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं, आजकल सिर्फ म्यूजियम म्यूजियम ही घूम रहा हूँ। कैसे आया जाए, सबसे पहला बात तो ये होता है। तो हम लोग हावड़ा से आए, हम लोग गरिया, देन वहाँ से ऑटो पकड़े 10 रुपये के, उनको बोला कि बिरला साइंस म्यूजियम जाना है, तो एकदम ही सामने उतार दिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो बने रहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए टेलीविजन, 3D विजन, फिजिक्स। ये जनरल टिकट 60 रुपये के हैं। अगर आपको सिर्फ ढुक के और सिर्फ ये देखना है, साइंस को देखना है, तो आप सिर्फ 60 के लेके और 10 रुपये का टिकट करा सकते हैं। अगर आपको ये सारे घूमने हैं तो आप पैकेज पूरा ले सकते हैं 80 रुपये में। तो ये देख लीजिए। हे गाइस, हमने टिकट कटा लिया, अब हमको एंट्री करना है। तो अगर आपको सिंगल सिर्फ शो देखना है तो आप 60 रुपये का टिकट कटा के सिंगल शो को ही ले सकते हैं। अगर आपको ये पूरे शो देखने हैं तो पूरी फुल पैकेज आती है 80 रुपये के, जो कि हमने कटाया। और दिखाते हैं आपको कैसे शो है, कैसा नहीं है। तो अभी हम एंट्री करने वाले हैं बिरला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी म्यूजियम में, ये देखिए। और अगर आप यहाँ पे गाड़ी वाड़ी कुछ लेके आते हैं तो उसके पार्किंग अलग से लगते हैं। देख पा रहे, मेरे को लगता है ये सारे शो चल रहे हैं अंदर। तो वहाँ से आप एंट्री करके यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खा सकते हैं। छोटी सी काउंटर है कैफेटेरिया नाम की, तो वहाँ से जस्ट एंट्री करेंगे एकदम सामने में आके यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं। जैसे कि ये देख पा रहे हैं आप, पार्किंग की तरह से यहाँ पे अलग हैं, जो कि टिकट काउंटर पे ही आपको पूछ लिए जाएंगे या फिर आप वहाँ पे कटा लेना, ये देखिए। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पे देखेंगे स्टीम इंजन के बारे में। जैसे कि आप बैक साइड कर रहा हूँ, ये देखिए स्टीम इंजन है यहाँ पे। उसके बारे में सारी डिटेल्स लिखा हुआ है कि वहाँ से आप एंट्री करके जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे, द वर्ल्ड इन डार्कनेस करके यहाँ पे कुछ आएंगे, ये देखिए। जैसे कि हमने टिकट कटाया है, ये बबल शो का है, फिर आपका ये कोल माइन वाला है, दिख पा रहे आप लोगों को, कोल माइन का है। ये 3.5 की शो है, ये देखिए ये वाली है 3D शो। तो अभी हम चलेंगे एंट्री। तो गाइस, हम इंटर हो चुके हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारे पीछे, ये है हमारा क्रिस्टल स्फीयर का है, और ये हो गया क्रिस्टल स्फीयर नॉर्थ स्काई है, ये हमारा है नॉर्थ स्काई, और ये है हमारा साउथर्न स्काई, ये साउथर्न स्काई, और ये है हमारा नॉर्थ स्काई। इसके अंदर में आपको दिखा रहे हैं हमारे सब जो तारे हैं कहाँ हैं, आपको शायद नहीं दिख रहे हैं, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारा मिल्की वे, ये है देखिए, बाकी बहुत सारे यहाँ पे, ये अपना मिल्की वे कहाँ है, यहाँ है। ये था आपका साउथर्न स्काई, अब चलते हैं आपका नॉर्थर्न स्काई में, ये देखिए। तो गाइस, अब चलते हैं आपको दिखाने प्लैनेट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे में प्लैनेट के बारे में, ये देखिए, जैसे कि ये हमारे सन, फिर उसके पास में वो सी, वेनस, देन अर्थ। ये देखिए सोलर सिस्टम के बारे में, कैसे कैसे हमारी जो ग्रह है ये कैसे चक्कर लगाती है, ये देखिए, ये देखिए अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये देखिए, ये सब हम किताबों में पढ़े हुए थे। अभी वाटर ऑन अर्थ, पृथ्वी पे कितने पानी हैं, इसमें देखिए 3% फ्रेश वाटर है। अब उस 3% में कितने डिवाइडेशन होते हैं, ये देखिए 20% अंडरग्राउंड है, देन सब आइस कैप्स ग्लेशियर्स में 69% है, और 1% सरफेस वाटर है। अब 1% सरफेस वाटर में ये देखिए इतने विभाग हैं, ये देखिए, ये इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज हैं। और यहाँ पता है आपको एक ट्रिक, जैसे कोई आप यहाँ पे स्विच टिप देंगे, जैसे कि ये देखिए हरियाणा,
यहाँ पे माइक लगे हुए हैं, बोल देंगे। देखिए जैसे कि ये अपना ये है, ओ भाई वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो आप यहाँ पे जो भी है उसको टच करेंगे तो आपको यहाँ माइक से आवाज आएगी। देखिए ये देखिए, जैसे कि मैं इसको मैं भी टच करने वाला हूँ, लक्षद्वीप, ये देखिए श्रीलंका, ये देखिए फिर से झारखंड, ये बिहार, ये अपना गांव बिहार, ये अपना फिजिकल मैप ऑफ इंडिया है, ये देखिए ये। तो गाइस अभी हमारा टाइम हो गया है बबल शो का, तो अभी हो रहे हमारे 2:25 और 2:30 बजे का शो है, तो अभी हम खोज रहे हैं, 5 मिनट में खोजना भी है और जाना भी है, तो चलिए शायद मिल गया, मिल गया। ये देखिए बबल शो लगा हुआ है, ये देखिए पता नहीं क्या दिखा जाए, कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में, देखते हैं। हमने बबल शो इन्जॉय किया, अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर छोटे बच्चे देख रहे हैं तो आपको यह शो बहुत ही पसंद आएगी, और हम लोग के लिए थोड़ी सी नॉर्मल लग सकती है तो, लेकिन जो टीचर थे जो दिखा रहे थे ना वो रियली इतने बेस्ट थे कि बीच बीच में वो कॉमेडी थोड़ी सी हंसी मजाक ला रहे थे, तो हमारा वो शो भी ख़त्म हुआ और अब हम चलेंगे कोल माइन की तरफ। और वो थोड़ी सी आज भीड़ थी, क्यों? क्योंकि कुछ स्कूल की कुछ टीम आई थी तो उसके हिसाब से बहुत थोड़ी मतलब क्या बोलते क्राउड ही नहीं बोल सकते उसको, हाउसफुल बोल सकते हो, हाउसफुल ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा वहाँ पे चेयर्स वगैरह मंगाने पड़े, तो लोग वहाँ बैठे इन्जॉय किए, बच्चों ने बहुत ही अच्छे इन्जॉय किए। तो अब हमारी टाइम हो गई है कोल माइन, जो ये पीछे हमारे देख रहे हैं बहुत सारे लाइन हमारे जा रहे हैं देखिए, तो अभी हम चलते हैं। कुछ देर पहले हमने इनसे बात भी किया था यहाँ पे जो सिक्योरिटी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे लाइन लग रही है, ये देखिए हम लोग ब्लॉक के चक्कर में बहुत लास्ट में लाइन लगाएंगे। और गाइस बहुत टाइम लग रहा है अंदर जाने में, आई थिंक ये स्टार्ट हो चुकी है तो अपने को जाना पड़ेगा अभी, तो ये देखिए तो बहुत लंबी असल से लोग इंटर कर रहे हैं, ये देखिए एक कोल माइन की शो है। तो गाइस अभी क्या है यहाँ पे सीट अभी पूरी फुल हो चुकी है, 10 मिनट की शो चलते हैं और यहाँ पे बताते हैं कि कैसे कोयला की खान में कैसे क्या काम होती है क्या काम नहीं होती है। 10 मिनट की शो है, हम इंटर कर रहे थे लेकिन हम इंटर नहीं कर पाए कि हम ब्लॉगिंग के चक्कर में थे, और ये 10 मिनट का शो है तो जब ये 10 मिनट शो ख़त्म हो जाएंगे तभी हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है ना कि ये कोई पार्क वार्क टाइप का है, अगर यहाँ पे कोई बच्चे आते हैं तो उनको आप छोड़ भी देंगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसी चीज़ें हैं ना वो कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ सीख ही सकते हैं, यहाँ वहाँ घूम के कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने वाली चीज़ें ही हैं। और अभी हमने बबल शो देखा, तो गाइस हमने 3D शो में इंटर किया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे पीछे में ये सब है, ये देखिए ये सारे पीछे में सब हैं, अभी हमारा लेट हो रहा है तो हमें 3D शो के लिए निकलना पड़ेगा, ये देखिए देख पा रहे हम इंटर कर चुके हैं 3D शो के लिए, हमें कभी चश्मे मिले हैं इसको पहन के हमें देखने पड़ेंगे, तो लेट्स सी, यहाँ भी कैमरे अलाउंस नहीं है बट अभी हम लोग कर रहे हैं थोड़ी बहुत। एक से एक चीज़ रखी हुई है भाई कि जो आपको दिखा के वो सुनने वाले हैं, जैसे कि स्टार्टिंग होती है यहाँ पे आपकी प्रिंटर के हिसाब से होती है, देखिए ये देखिए पहले ज़माने में ये टेली प्रिंटर है और यहाँ पे ये है ना ये जो स्कैन है, आप स्कैन करके इसके बारे में एवरीथिंग जान सकते हैं इसको स्कैन करके, ये देखिए कीपर मॉनिटर है, ये देखिए इसको भी आप स्कैन करके इसके बारे में सारे कुछ जान सकते हैं, ये टेली पेज प्रिंटर है, ये देखिए सेम, ये देखिए पहले के ज़माने में कैसे फ़ोन वगैरह सब यूज़ होते हैं, फिर कैसे कैसे इन्वेंशनों के एडवांस में गए, मॉडर्न में फ़ोन बने, ये देखिए यहाँ पे सब सारे बने हुए हैं, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और मैं आपको सबसे एक मज़ेदार चीज़ दिखाने वाला हूँ तो बने रहिए आप, ये देखिए ये देखिए सारे फ़ोन हैं, ये कैसे कैसे मॉडर्न से हो, ये रेलवे टेलीफोन है आप ये देख लो, ठीक है ये देख लो, ठीक है ये देख लो, ये है फायर अलार्म, ये है फायर अलार्म, ये देखिए। तो गाइस जैसे कि आपने ये देखा होगा,
यहाँ पे भी ये ब्लैंक है, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख के रखूँगा इन कोड के वाइज से। देखिए जैसे कि ये है, इस कोड के हिसाब से मैं अपना नाम इस पर टाइप करूँगा। देखिए कैसे इससे मैं एन टाइप करता हूँ, पहले पूरे टाइप करके एक एन लिखें, एन आई के लिए दो बार आई, फिर टी, टी टी के लंबी प्रेस है टी, फिर आई, फिर एस के लिए थ्री डॉट एस, फिर एच। ये देखिए ये 29 हो गए, इसके माध्यम से हमने किया। ये देखिएगा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे क्या है, सारे देश के स्टाम्प्स। ये देखिए एसोसिएटेड स्टाम्प फॉर द कम्युनिकेशन। ये देखिए हर देश के स्टाम्प आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये देखिए जो कि एट द रेट के हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए दिख पा रहे हैं। तो ये गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हमें लगी ये एट द रेट के पास। एक अप और एक डाउन की, लेकिन जैसे मैं इसको मैं ये करता हूँ तो ये वाली ऐसे घूमेगी, और एक आउट करता हूँ तो ये रिवर्स में जाएगी। सेम यहाँ भी सेम वही सेम ही है, इसको अगर मैं करते हैं तो ऐसे घूमेगी, ऐसे क्या होता है। तो गाइस हम अभी इलेक्ट्रिसिटी रूम में आ चुके हैं, तो यहाँ पे जितने भी सब चीज़ें हैं सब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दिखाया गया है। चुके हैं गियर रूम में, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से गियर क्या काम करते हैं क्या काम नहीं करते। जैसे कि आप मेरी ये पीछे देख पा रहे हैं, और बैक सपोर्ट में स्टार्ट करने वाला हूं। ये देखिए ये है रैक एंड पिनियन गियर करूंगा, ये देखिए मूवमेंट हो रही। ये देखिए हेलिकॉन गियर, ये देखिए, ये देखिए हेरिंग बोन, ये देखिए कौन से गियर कैसे काम करती है और उसका नाम क्या है, यहाँ पे सारे मेंशन है। ये देखिए यहाँ पे पूरे गियर और मशीन के बारे में है। ये देखिए तो गाइस ये देखिए स्टीम इंजन और कैसे वर्क करती है। ये देखिए स्विच है और ये है स्टीम इंजन जो कि अपने सारे शोज देख चुके हैं और हम निकल रहे हैं बाहर में। ये देखिए अब लग गया है भैया, भूख तो लगा ही है, भूख कुछ तो खाना पड़ेगा अपने को। सारे शोज देख चुके हैं हम लोग, सारे जो है ये साइंस के चीज़ें हैं जो भी हैं वो सारे हमने देख चुके हैं। हम ही निकलते हैं, कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, मतलब सॉरी कुछ खाते हैं फिर निकल जाते हैं, फिर चलते हैं अपने घर। और तो हमारा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है, आप बताइए कमेंट करिए कैसा बना है कैसा नहीं बना है, और अगर अच्छा मेरा कंटेंट लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय।